खबर है यूपी से, जहां पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि पर कांग्रेस गंगा पार जिला अध्यक्ष कमर रिजवी ने गहरी नाराजगी जताई। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत से, जहां तेजी के साथ पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में हो रही है वृद्धि। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस गंगा पार जिला अध्यक्ष कमर रिजवी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बार बार मूल्य वृद्धि करने से आम जनता में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऊपर उन्होंने शासन से अविलंब मूल्य वृद्धि वापस लेकर आम जनता को राहत प्रदान करने की मांग की है। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। फिर इसका क्या परिणाम रहेगा? परिणाम तो बहुत बेताशा परिणाम रहेगा 2022 में। इसके खिलाफ, महंगाई खिलाफ और किसान कानून जो बनाए उसके खिलाफ, और जो इस तरीके से महिला उत्पीड़न हो रहा है, बेटी पढ़ाओ के जो इनका आधार दोस्त हो गया है महंगाई, और आज इनके मुंह में जबान नहीं है कि कुछ बोले महंगाई के खिलाफ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल भी सस्ते थे, रसोई गैस के दाम भी थे, लेकिन जिस तरीके से बेताशा वृद्धि हुई है, और इनका कहना है कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ और ही मामले दिखते हैं उसको लेकर आपके क्या कहने जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो जिस समय पूरे विश्व में मंदी का दौर था, और मंदी के दौर में भी हिंदुस्तान इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था, और डीजल पेट्रोल का दाम जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान में वो बिल्कुल लिमिट के दायरे में था, कोई महंगा कोई वो नहीं हुआ था। लेकिन इन लोग की सरकार में जब पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है, कई बैरल डील डॉलर सस्ता हुआ है, लेकिन इसका कि आप लोगों की ताकत से हम लोगों को और कांग्रेस पार्टी को एक ताकत मिलती है। आप ये बताएं, यही स्मृति ईरानी किस तरीके से बात कर रही थी कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, बाबा रामदेव भी इस बात को कह रहे थे 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, रसोई गैस जो है 400-500 रुपये होगा। लेकिन आज ये देखिए, रसोई गैस की कीमत देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की कीमत देख लीजिए, कि आज लोगों में त्राह त्राह मचा हुआ है। कहाँ चले गए वो सरकारें, वो विपक्ष में जब थी, जब स्मृति ईरानी या और भी बड़े बड़े नेता, बीजेपी के राजनाथ सिंह जी कहाँ चले गए? कहाँ, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि महंगाई डाइन हो गई है, आज डार्लिंग हो गई महंगाई इन लोग के नज़र के सामने, इन लोग का पसंदीदा और इन लोग का बिल्कुल।